वेलकम बैक नाजीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजीन, हम बात कर रहे हैं डेंगू वायरस के हवाले से। पूरा मुल्क उसकी लपेट में आता हुआ महसूस हो रहा है और बदकिस्मती की बात यह है कि कई अहम तरीन अफराद भी उसकी लपेट में आ रहे हैं। कोई इसका तदारुक सामने नहीं आ रहा, बल्कि कीमतों के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो अद्वियात चाहिए, वो भी लोगों की दस्तरस में नहीं है और ये वबा रुकने का नाम नहीं ले रही। कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, क्या इसके असबाब है, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस के वाइस चांसलर डॉक्टर मुबशर मलिक साहब ने। सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज हैं, उनसे पूछते हैं कि असल ये मसला क्या है, क्यों इस कदर तेजी से ये फैलता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत ही अफसोसनाक बात है, जिस अंदाज के अंदर फैलता चले जा रहा है डेंगू वायरस। हुकूमत ने तो फौरी तौर पर, खासतौर पर पंजाब हुकूमत ने ईडीओ हेल्थ को मुअत्तल कर दिया, लेकिन मसले का हल नहीं निकल सका, बल्कि मजीद से मजीद लोग इससे मुतासिर होते चले जा रहे हैं। ये कैसे शुरू हुई, कैसे इसका हल निकलेगा? देखिए जी, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये इस मौसम में जहां पानी वानी इकट्ठा हो जाता है और ये सैलाब के बाद ये सिचुएशन ऐसी हुई कि बारिशें हुई, उससे पानी इकट्ठे हो गए, खासतौर पर कुछ इलाकों में जो नशेबी इलाके थे जी, उनमें पानी इकट्ठा हुआ और जहां भी गंदा पानी इकट्ठा होगा वहां पे मॉस्किटो, ये जो खास किस्म का मॉस्किटो है जी, ये अट्रैक्ट होता है। सही। और ये सुबह के वक्त, सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक और शाम के वक्त 5 बजे से लेके 7 बजे तक इसके काटने का वक्त होता है। सही। फिर कुछ लोगों ने घरों में स्विमिंग पूल, घरों में गमले जी, वो जो प्लांट्स बेड्स होते हैं उनमें पानी डाला होता है जी, तो ऐसी जगह पे ये मॉस्किटो, इसकी जो मादा फॉर्म है जी, वो काटती है और काटने के बाद उसको अपनी न्यूट्रिशन के लिए फूड की जरूरत होती है, खसूस तौर पे वो प्लेटलेट्स को अपनी तरफ खींचती है। अच्छा। और प्लेटलेट्स के खींचने से, प्लेटलेट्स का काम जो होता है जिसम में ये कुव्वत मुदाफियत पैदा करते हैं। सही। और जब प्लेटलेट्स को खींचती है तो कुव्वत मुदाफियत, लेकिन एक इसकी एक, ये इतने फिक्र की बात नहीं है, इसकी एक सीरियस फॉर्म जो है वो कॉन्गो फीवर है जी, जिसमें ये फैल जाती है और जिस्म के तमाम हिस्सों से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर इसकी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इसके बचाव का क्या तरीका है जी। जी, बचाव में इसके लिए आप नेचुरली मच्छरदानियां लगाएं और खसूसन सुबह के वक्त, जो वक्त मैंने बताया, और शाम के वक्त अपने आप को बचा के रखें। सही। और उसके बाद अपने घरों में जो फ्रेश वाटर आपने स्टोर किया होता है पीने के लिए या गुस्ल के लिए या बर्तन धोने के लिए, उसको जाया कर दें कि उस पर ये पलता है। सही। पलती है, उसके बाद ये पिटती है, काटती है। तीसरी बात ये है कि जब इसके अलामत हों तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्लड टेस्ट करवाया जाए जी। और ब्लड टेस्ट डेंगी फीवर के लिए नहीं, बल्कि प्लेटलेट्स काउंट के लिए, जो सिंपल एक कंप्लीट ब्लड पिक्चर होती है। ठीक। और अगर आपकी प्लेटलेट्स कम हो तो मेरे ख्याल में सीधा अस्पताल में जाना चाहिए। और अक्सर लोग जो अपने बुखार के लिए या दर्द के लिए डिस्प्रिन लेते हैं, डिस्प्रिन वो किसी सूरत उसमें नहीं ले। अच्छा। क्योंकि डिस्प्रिन से ये ब्लड और फिल हो जाता है और उससे ज्यादा नुकसान होता है और ब्लीडिंग का खतरा होता है जी। अच्छा। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं कहने वाला हूँ कि आगे ये ईद उज़ ज़ुहा आ रही है जी, एनिमल जो शीप होते हैं जी, इनकी मूवमेंट के की वजह से ये जो डेंगू का जो मॉस्किटो है ना, ये बड़ा अट्रैक्ट होता है। दैट इज वरिंग, आई थिंक इसके लिए वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट अगर वक्त पे शुरू हो जाए जी, मेगा प्लेटलेट्स जो कि तैयार होनी चाहिए, और पंजाब के पास इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्रोफेसर महफूज रहमान जी, अगर मेगा प्लेटलेट्स लग जाए सही तो मरीज टोटल रिकवर कर देता है। अच्छा। लेकिन अगर इसकी तशखीस में डिले हो और जनरल प्रैक्टिशनर इसको वक्ती तौर पे उस वक्त उसको सही जगह पे रेफर ना करे और ब्लड टेस्ट ना कराए, फिर इसकी एक सीरियस फॉर्म होती है। सही। जब ब्लीडिंग शुरू हो जाती है उसको कहते हैं कॉन्गो वायरस या वायरल हेमरेजिक फीवर। सही। दुआ ये करनी चाहिए कि हमें इसके बचाव की तदाबीर लोगों को बतानी चाहिए, और खासतौर पर मैं रात को प्रोग्राम देख रहा था, ये मुगलपुरा के पास एक रेलवे शेड है, उसके नीचे बहुत ज्यादा गंदगी और मच्छर है उस इलाके में। सही। आपको याद होगा सबसे पहले डेंगू फीवर के मरीज जो यूनिवर्सिटी में हो और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा को हो जी, और वो शायद इसीलिए कि मुगलपुरा के पास थी। सही। तो आई थिंक गवर्नमेंट ईडीओ चेंज किया, नए ईडीओ साहब कोशिश कर रहे हैं। सही। इस पे गवर्नमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, मेरे से भी बात हुई थी एंड गवर्नमेंट इज वेरी कंसर्न अबाउट इट।
अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं जी, हमारे यहाँ चूंकि सेल्फ सेल्फ मेडिकेशन का भी एक सिस्टम मौजूद है, लोग अपने तौर पर अंदाजे लगा लेते हैं और जिस तरह आपने खुद का डिस्प्रीन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, कुछ अलामत बताइए क्या इसकी इब्तदाई अलामत है ताकि उस वाले से लोग कॉन्शियस हैं और फौरी तौर पर जाएं। अलामत में जिस्म में सख्त दर्द, सही कानों के पीछे दर्द, आंखों के पीछे दर्द और नकाहत और सख्त कमजोरी होती है। सही बिल्कुल, जिस्म में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, सख्त दर्द, कानों के पीछे दर्द, अजीब किस्म की नकाहत और शदीद किस्म की कमजोरी और लिस्टलेसनेस, जैसे बता बुझ जाता है इस तरह का फील होता है, और ये हैं अलामात। अच्छा डॉक्टर साहब आपने इसमें अगर आप मतलब अस्पताल ना भी जाएं, अगर आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं और आपका प्लेटलेट काउंट ठीक है, सही, फिर आप ये जो एहतियाती तदाबीर है इनको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये नहीं है कि एक शख्स से दूसरे को लगता है, सही, लेकिन एक मच्छर जिसने एक मरीज को काटा हो जी, उसके बाद वो दूसरे मरीज को जाके दूसरे बंदे को जो अराउंड हो जी उसको काट जाए, तो फिर ये इन्फेक्शियस नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपने जो डॉक्टर्स का बताया है कि बड़े उनको भी हो गई है। एग्जैक्टली, डॉक्टर्स सर्विस कर रहे हैं, दिस इज पार्ट ऑफ अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनल हैजर्ड। अब ये बीमारियां जो हैं ये ऐसे तो नहीं इम्यूनिटी होती कि इसको होगी इसको नहीं होगी, जिसको भी उस मच्छर उस मॉस्किटो के मादा ने किया है जी, हम स्प्रे गवर्नमेंट कर रही है जाती तौर पे एहतियात अपने घरों में, अपनी फैमिलीज में, अपने बेडरूम्स में अगर करें, और जब भी ये इस किस्म का बुखार वगैरह हो तो जैसे मैंने कहा डिस्प्रिन ना लें, फौरन जाके ब्लड टेस्ट करवाएं किसी डॉक्टर के पास जाके, सही, और अगर आपकी प्लेटलेट्स 80,000 से कम है जी फिर आपको अस्पताल में दाखिले की जरूरत है और सपोर्ट की जरूरत है। सही, अच्छा 80,000 की तरफ डॉक्टर साहब आपने इशारा किया, ये बताइएगा कि घरों के अंदर लोग अपने तौर पर तो एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं जिस तरह आपने बताया स्प्रे वगैरह करवाए जाए, हुकूमती सतह के ऊपर भी कहा जा रहा है कि अस्पतालों के अंदर खासतौर पर जिस तरह आपने खुद भी इशारा किया और मैंने इब्तदा में भी जिक्र किया कि डॉक्टर्स इससे जो मुतासर हो रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या हो सकता है, क्या दवाइयां हैं जो इस्तेमाल करें फौरी तौर पर जिससे कम अज कम इसका तदारुक हो सके। देखिए इसकी स्पेसिफिक दवाई कोई नहीं है, इससे बचाव के तरीके हैं और इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जिस वक्त मुदाफियत कम होती है जी, प्लेटलेट्स कम होती है, तो अगर प्लेटलेट्स दे दी जाए, प्लेटलेट्स मेगा प्लेटलेट्स इसका तरीका इलाज है जिससे ये रिकवर हो जाती है, और जैसे प्लेटलेट्स काउंट ऊपर आता है ये मरीज रिकवर करना शुरू कर देते। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर रब्ता होगा। जी नाज़रीन, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस डॉक्टर मलिक मोहम्मद मुबशर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे, उनका यह कहना है कि यकीनन ये एक बहुत खौफनाक मर्ज है, इससे सिर्फ एहतियात ही की जा सकती है और एहतियात ही इसका बेहतरीन इलाज है। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया है, कई डॉक्टर्स इसके नतीजे के अंदर बीमार हो रहे हैं, और नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि इनमें से एक डॉक्टर की हालत इंतहाई तशवीशनाक है जो किंग एडवर्ड के प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन भी हैं। नाज़रीन यकीनन जो ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है इसमें बड़े शहरों के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग मुतासर हो रहे हैं, और कराची, लाहौर और इस्लामाबाद सर फहरिस्त है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन अहम बात यह है कि इन बड़े शहरों की खबरें तो हमारे तक पहुंच रही हैं क्योंकि अस्पतालों के पास बकायदा अदादा शुमार मौजूद हैं, छोटे शहरों के अंदर जहां लगातार लोग बीमार हो रहे होंगे उनका क्या परेशान हाल होगा, क्या उनके हवाले से कोई खबर भी सामने आती होगी, इस पर मजीद बात करेंगे मुख्तलिफ डॉक्टर से और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आवाम को अवेयरनेस दी जा सकती है, किस तरह इससे बचाओ इंतहाई जरूरी है, क्योंकि एक इंतहाई मालूमती प्रोग्राम है। एक छोटे से ब्रेक पर इस पर बात करेंगे, देखते रहिए व्यू पॉइंट।